टू रियल एजुकेशन। दोस्तों पिछली वीडियो में मुझे काफी लोगों ने ये पूछा था कि भाई साहब आपने जो सेविंग अकाउंट की वेलकम किट की अनबॉक्सिंग की थी, करंट अकाउंट की वेलकम किट की अनबॉक्सिंग की थी, और अब दोस्तों मैं लेके आ चुका हूँ यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट की अनबॉक्सिंग। आपको पता होगा पिछले वीडियो में मैंने ये भी करके बताया था जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे खोलते हैं ऑनलाइन इंस्टेंटली, तो उसकी जो पूरा वीडियो का दोस्तों लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो उसकी जो वेलकम किट है वो मेरे पास अब आ चुकी है, मतलब आज तक हमारे चैनल पे 2 से 3 ऐसी वेलकम किट्स है जिनकी अनबॉक्सिंग हम कर चुके हैं। एक वेलकम किट आप देख सकते हैं, एक और मेरे पास अभी है फिलहाल में, और एक दो और है जो कि मेरे पास पड़ी है अंदर। तो अब इन सभी की अनबॉक्सिंग मैं पहले से कर चुका हूं, पर अब मैं करने वाला हूं जीरो बैलेंस अकाउंट की अनबॉक्सिंग। जीरो बैलेंस अकाउंट में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, सबसे पहले हम कर लेते हैं लाइट्स ऑन ताकि आपको मिल सके थोड़ी बहुत क्लैरिटी। ये हो गए लाइट ऑन, ये भी हो गए लाइट्स ऑन। अब आप देख सकते हैं आपको काफी क्लैरिटी देखने को मिल रही होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये QR कोड दे रखा है, इसको एक्सप्लोर करने के लिए, यानी इसके बारे में क्या क्या है अंदर जान सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या क्या रहता है, और इससे साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि वेलकम किट मुझे कैसे देखने को मिली है, क्योंकि काफी लोगों को प्रॉब्लम है कि बाय पोस्ट आती है, बाय कुरियर आती है, हमें बैंक में जाना पड़ता है, क्या होता है। तो सभी को बता दूं, पहले तो हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं पासबुक देखने को मिलती है। मैं सारे सवालों के आपको जवाब आज दे दूंगा। यहाँ पे ये पासबुक, पासबुक के अंदर आपको दोस्तों कुछ नहीं देखने को मिलता, पूरी ब्लैंक है, पर यहाँ पे आपको अपने अकाउंट नंबर और रेफरेंस कोड प्रिंट आउट मिलते हैं साथ ही में, और दूसरी पूरी पासबुक ब्लैंक रहती है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों इसमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आपकी दोस्तों चेकबुक देखने को मिलती है। जो चेकबुक है वो 25 पेजेस की रहती है, काफी हद तक ठीक ठाक चेकबुक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर्स काफी अच्छे इसने यूज किए हुए हैं, और साथ ही साथ इसके बाद में हमें क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे दोस्तों हमें देखने को मिल जाता है नेट बैंकिंग के पिन। नेट बैंकिंग के दोस्तों जो पिन है वो मैंने पूरी तरीके से बदल रखे हैं। यहाँ पे आप इसको स्क्रैच करना नहीं है, आपको इसको डायरेक्ट फाड़ना है, जो आप इसको फाड़ेंगे तो अंदर पिन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ पेपर वर्क एंड गाइड देखने को मिल जाएगी, और साथ ही साथ यहाँ पे पेएबल पर चॉइस वगैरह इतने सारे आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिले हैं कि इन सभी को आप पढ़ सकते हैं, पर इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, इसके लिए मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा अलग से इसमें क्या क्या रहता है। और दोस्तों साथ ही साथ इसमें कुछ गाइड्स देखने को मिलती है, आप देख सकते हैं पेपर वर्क इसमें काफी ज्यादा है। अब यहाँ पे कुछ आपके दोस्तों ये मिल जाता है पेपर जिसमें यहाँ पे क्या क्या लिखा होता है मैं आपको बता दूं, आपका कस्टमर आईडी, डेट, अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ इसमें लिखा मिलता है। इसको हम रखते हैं साइड में, और क्या क्या देखने को मिलता है, अब दोस्तों कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ यही था। तो बात कर लेते हैं ATM की, हमें ATM कैसे देखने को मिला। दोस्तों ATM के लिए मैंने कुरियर कंपनी को कॉल किया था, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे 7-8 दिन और लग जाएंगे ATM को आने में, पर मुझे थी रिक्वायर्ड काफी ज्यादा जल्दी, तो मैंने सोचा कि ATM को जल्दी मंगवाने के लिए मुझे बैंक में जाना होगा, बैंक से इंस्टेंट ATM लेना होगा, जिसका जो चार्ज है मुझे अलग से लगा है। दोस्तों इसको लाने के लिए मुझे 590 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़े, 590 रुपये में मुझे ये देखने को मिला है। पर अगर आप कुरियर से लेते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा, उसके लिए आपको पैसे नहीं देने होंगे, पर यहाँ पे मुझे कुछ जल्दी ही थी इसके लिए मुझे इसको चार्ज देना पड़ा। अब दोस्तों इसमें क्या देखने को मिलता है, कुरियर में इंस्टेंट किट देखने को मिलती है, ये रुपे कार्ड नहीं, ये जो रुपे कार्ड आता है वो दोस्तों आपका कुरियर बाय पोस्ट आता है, बाय कुरियर आता है। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ फॉर्म्स देखने को मिल जाते हैं, मैंने ये इंस्टेंट लिया इसलिए मुझे 590 रुपये में दूसरा कार्ड देखने को मिला, ये जो मुझे मिला है मास्टर कार्ड है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ बिलिंग वगैरह के फॉर्म्स है, इसको आप फिल कर सकते हैं, इसको साइड में रखते हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। और यहाँ पे साथ ही साथ आपका अपना ATM कार्ड है वो इसके साथ ही आता है, जिसको मैंने अनबॉक्स पहले से कर रखा है, पर मैं यहाँ पे बता दूँ इसकी जो लिमिट दे रखी है ये लिमिट मेरे अकाउंट में नहीं चलने वाली, मतलब ये जो लिमिट इन्होंने बताई है ये मेरा जो जीरो बैलेंस अकाउंट है यानी जो जनधन खाता है उसमें ये लिमिट काम की नहीं रहती है, ये लिमिट सिर्फ ATM कार्ड की भले ही रही पर मेरे जो खाते की लिमिट है वो इससे भी कम है, इसलिए ये नहीं चलेगी। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने पिछले अकाउंट में जो भी करंट अकाउंट थे और सेविंग अकाउंट में अनबॉक्सिंग की थी उनमें जो ATM कार्ड्स मैंने दिखाए थे वो ATM कार्ड्स कुछ इस तरीके के थे, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास ATM कार्ड्स और एक्स्ट्रा पड़े हैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं जो मिलेनिया डेबिट कार्ड है ये मुझे पिछली बार मिला था मेरे सेविंग अकाउंट में, जो कि स्टूडेंट सेविंग अकाउंट मैंने खुलवाया था, आप देख सकते हैं। ये दोस्तों जो मिलेनिया डेबिट कार्ड है ये सभी को मिलता है, मास्टर डेबिट कार्ड रहता है जो कि वर्ल्ड वाईफाई वाला, आप देख सकते हैं NFC सपोर्टेड है, ये मिलता है सेविंग अकाउंट में, इसको साइड में रखते हैं, उसका जो चार्ज है वो भी काफी अच्छा है, ज्यादा है। और यहाँ पे दोस्तों दूसरे कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, और यहाँ पे मेरा जो मेन कार्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे CVV कोड, दोस्तों यहाँ पे सभी को हमेशा याद रखना चाहिए CVV कोड किसी से शेयर नहीं करने चाहिए,
आप देख सकते हैं ये मेरा कार्ड जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने अपने जो नंबर से हाइड कर रखे हैं, ये इस तरीके का कार्ड रहता है। और साथ ही साथ मैं इसको पीछे की तरफ आपको दिखा देता हूँ, तो पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जूम करके ये प्लेटिनम डेबिट कार्ड रहता है। दोस्तों ये जो डेबिट कार्ड है ये काफी अच्छा डेबिट कार्ड है, यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, काफी ज्यादा फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों इन सभी की तो बात हो गई, अब बात कर लेते हैं मेन आपकी क्वेरीज की, आखिर आप क्या जानना चाहते हैं इसमें सबसे ज्यादा जरूरी। आप में से काफी लोगों ने मुझे ये सारी चीजें बता रखी है कि भाई साहब ये सब चीजें हमें पता है, पर अब हमें इसको मंगवाना कैसे है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था अकाउंट कैसे खुलवाना है, तो उसके बाद में क्या होता है ऑटोमेटिक आपको बाय कुरियर प्राइवेट कंपनी से ये देखने को मिल जाएगा। जैसे ही कंपनी प्राइवेट होती है, वो प्राइवेट कंपनी क्या करती है आपको दोस्तों बाय कुरियर यहां पे आपको HDFC है वो भेज देती है। पर ये याद रहे ये दोस्तों ये जो आता है ये कहां से आता है मैं आपको बता देता हूं, ये आता है दोस्तों आपका चेन्नई से काफी दूर से आता है, इसलिए आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं एड्रेस दे रखा है चेन्नई का, मैं आपको जूम करके बता देता हूं, देख सकते हैं बाय स्पीड पोस्ट आया, ये स्पीड पोस्ट आया है, कभी कभार प्राइवेट कंपनी से आता है, ये है दोस्तों चेन्नई, आप देख सकते हैं चेन्नई से आया है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अब ये काफी बार क्या होता है कि चेन्नई से आने के कारण लेट हो जाता है, और उसके बाद में काफी लोगों को पता ये लगता है कि जैसे कि यहाँ पे ATM कार्ड मिलेगा ही नहीं हमें, या फिर ये वेलकम किट देखने को नहीं मिलेगा। तो उन सभी को बता दो सबको मिलता है, आपका जो एड्रेस है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अब यहाँ पे काफी लोग मुझे फुल KYC के बारे में पूछ रहे थे, क्या फुल KYC के बाद में ही देखने को मिलेगा, तो सभी को बता दो पहले तो ये सिस्टम था कि फुल KYC करवाना जरूरी था तभी आपको देखने को मिलता था, पर अब मैंने बैंक से बात की, उन्होंने कहा अब फुल KYC की जरूरत नहीं, बिना फुल KYC सिर्फ और सिर्फ eKYC के बेस पे भी आपको वेलकम किट तो भेज दिया जाएगा, पर उसकी जितनी भी दोस्तों फैसिलिटीज है उसका आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जैसे कि चेकबुक का आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और बहुत सारे दूसरे रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फुल KYC के बाद में ही आप पूरा बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर पाएंगे, जैसे यहाँ पे मैं नेट बैंकिंग तो यूज कर पाऊंगा, पर नेट बैंकिंग की काफी ज्यादा फैसिलिटीज है वो नहीं यूज कर पाऊंगा, उसके लिए मुझे फुल KYC करनी होगी। अब याद रहे दोस्तों जो वीडियो KYC आप करते हैं वो वीडियो KYC फुल KYC होती है, यहाँ पे उसके बाद में आपको कोई भी KYC करने की जरूरत नहीं रहती है, वीडियो KYC के बाद में आपका सारा काम पूरा हो जाता है। और साथ ही साथ अगर बैंक के पास जाके आप फुल KYC करते हैं तो और बढ़िया रहेगा, वहां पे आपको डायरेक्टली वेलकम किट हैंड टू हैंड भी आपको दे दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व कर दी है, क्वेरीज के नाम पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है फुल KYC के बारे में क्या सिस्टम रहता है, यहाँ पे eKYC क्या रहती है, बाय पोस्ट मिलता है, बाय कुरियर मिलता है, सारे सवालों के जवाब मैंने बता दिए हैं। और फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, जाके कमेंट करके मुझे बता दीजिए क्या दिक्कत है, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अगर आपके लिए इतनी मेहनत की और आपके लिए अगर कोई फायदेमंद रहता है, आपको इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलती है, तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।